हे गाइस, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप पेटीएम अकाउंट जो है वो कैसे क्रिएट कर सकते हो। और आपको पता होगा कि पेटीएम में हम बहुत सारे चीज़ें कर सकते हैं, जैसे मनी ट्रांसफ़र हो स्कैन के थ्रू या फिर यूपीआई के थ्रू मनी भेज सकते हैं और पैसे जो है आप रिसीव भी कर सकते हो। तो पेटीएम जो है वो ओपन करने के लिए अपने फ़ोन में आपको क्या करना है, सिंपली आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, तो आप पेटीएम जो है वो आराम से ओपन कर सकते हो। इसके लिए आप सिंपली अपने प्ले स्टोर में जाना और जो है आपको पेटीएम सर्च करना है। और पेटीएम जब आप सर्च करोगे तो वहाँ से आप क्या करोगे, पेटीएम को इंस्टॉल कर लोगे। ठीक है, पेटीएम सिक्योर यूपीआई लिखा होगा, इंस्टॉल करेंगे। ये कुछ आपको कुछ एमबी का पड़ता है, इंस्टॉल होगा 32 MB का, आपको इंस्टॉल करना है। और जब इंस्टॉल हो जाएगा आपको सिंपली ओपन कर लेना है। चलिए, हमने ओपन कर लिया। और जिस भी नंबर से हमारा बैंक अकाउंट है उस नंबर से जो है हम उसको क्या करेंगे, उस नंबर से हम इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जो है उस नंबर से इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं। यहाँ पे ब्लैंक है क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज से सिम टू में मेरा है वो अकाउंट वाला नंबर, और प्रोसीड कर दिए। ओके, तो यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे, मैसेज आएगा, सेंडिंग मैसेज, वेरीफाई करेगा आपका मोबाइल नंबर कि आपका जो सिम है इस फ़ोन में लगा हुआ है कि नहीं। देखिए, आपका पेटीएम जो है वो लॉगिन हो चुका है और उस पर OTP आया हुआ है। ठीक है, अब ये OTP खुद डिटेक्ट कर लेगा और ये जो है हमारा पेटीएम ये जो है वो लॉगिन हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम जो है वो देख लेते हैं। तो हमारा पेटीएम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिंक माय बैंक अकाउंट एंड एक्टिवेट UPI स्किप, हम इसको कर देते हैं। अभी भी आप लिंक कर सकते हो, इसको बाद में भी कर सकते हो, हम जो है वो आपको बाद में करें, डू इट लेटर पर हम क्लिक कर देते हैं। अभी चलिए, अब यहाँ पे भी हम इसको क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। आप स्क्रीन लॉक लगा सकते हो। ये जो है देखिए, स्कैन एंड पे टू मोबाइल टू UPI एप्स टू बैंक अकाउंट, ये सब आप पैसे भेज सकते हो। ओके, और पहली बार वेलकम पेटीएम है, जब आप किसी को 1 रुपये भी ट्रांसफ़र करते हो आपको 10 रुपये का जो है वो रिटर्न मिलेगा यहाँ पे बोनस। ओके, यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स है रिचार्ज एंड बिल पेमेंट वगैरह का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट सबसे पहले आप लिंक करोगे, पेटीएम से आप पैसे ट्रांसफ़र वगैरह करना चाहते हो पेटीएम को ओपन करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है लिंक बैंक अकाउंट। ओके, तो आपको सिंपली लिंक बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है, जो भी इस नंबर से आपका जो भी बैंक अकाउंट है आप उस सबको सर्च कर लेना और कन्फर्मिंग आएगा। यहाँ से देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशन योर बैंक अकाउंट हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली। यहाँ पे देखिए कितने चीज़ें आपको यहाँ पे मिलते हैं फीचर्स आपको। तो यहाँ पे देखिए यू हैव सक्सेसफुली लिंक योर बैंक अकाउंट, पेटीएम को हमने लिंक कर दिया। अब क्या है देख सकते हो, एक्सप्लोर मोर सर्विसेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितने सारे फीचर्स आपको मिलता है, रेफर एंड अर्न, पेटीएम मनी, रमी और लोन्स वगैरह बहुत सारे चीज़ें। तो सबसे पहले हम जो है वो अपना यहाँ पे देख सकते हो चेक बैलेंस लिखा हुआ है, तो बैलेंस को हम चेक करते हैं। तो बैलेंस चेक करने के लिए क्या करना है, चेक बैलेंस पे आपको क्या करना है, सिंपली करना है और जिस भी नंबर से है उस पर क्लिक करना है और प्रोसीड कर देंगे। वेरीफाई करेगा हमारा मोबाइल नंबर, तो उस पर क्या आएगा, OTP आएगा। ओके, तो सेंडिंग SMS और जस्ट वेटिंग फॉर SMS, अब SMS आएगा और ये खुद वेरीफाई कर लेगा। ओके, अब हम चलिए बैलेंस जो है वो चेक कर सकते हैं। तो चेक बैलेंस पर हम क्या करेंगे, चेक बैलेंस पर हम फिर से क्लिक करेंगे और जो हम अपना बैलेंस देख सकते हैं इसमें कितना हमारे बैलेंस है। ओके, तो चेक बैलेंस पे सिंपली क्या करेंगे, चेक बैलेंस पे हम टिक कर देते हैं और इसके बाद जो है हम अपना बैलेंस देख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो है आप पेटीएम जो है वो यूज कर सकते हो। और इसके बाद जब आप इतने प्रोसेस कर लोगे तो इसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो पेटीएम की जितनी है उसका आप यूज करने के लिए। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इस तरह का इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।